देश के 9 राज्यों में बाढ़ से हालात खराब। केरल में अब तक 91 लोगों की मौत। 10 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर। मुंबई और पुणे में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कई ट्रेनों को रद्द किया गया। कुछ ट्रेनों का रूट बदला। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का दूसरी बार न्योता स्वीकारा। कहा वो बिना शर्त जम्मू कश्मीर आने को तैयार है। गृह मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्ट्स की पुष्टि की। माना कि पिछले जुमे की नमाज के बाद श्रीनगर के सौरा में विरोध प्रदर्शन हुआ था। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला। बीजेपी को कश्मीर की धरती से प्यार है, कश्मीरियों से नहीं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का सीबीआई पर बयान। जब किसी मामले का राजनीतिक रंग नहीं होता, सीबीआई तब अच्छा काम क्यों करती है। देश के गन्ना किसानों की हालत खराब। चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का इस वक्त 17,518 करोड़ रुपए का बकाया। सिर्फ यूपी के किसानों का लगभग 10,000 करोड़ रुपए बकाया। ऑटो कंपनियों में मंदी का दौर जारी। 19 साल बाद जुलाई में बिक्री 19% घटी। एक साल में 3 लाख लोगों की नौकरी गई। और पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा मैच आज। सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा भारत।